अंकिता चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गुरु की नगरी श्री अनंतपुर साहिब में विराजित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में 23 मार्च से 25 मार्च तक मनाए जाने वाले सिख पंथ के राष्ट्रीय पर्व होला मोहल्ला मेले को लेकर तैयारियों का सिलसिला युद्ध स्तर पर चल रहा है। देश विदेश से लाखों की संख्या में गुरु की नगरी में नतमस्तक होने पहुंचने वाली संगतों को पार्किंग की समस्या पैदा ना हो, इसके लिए चरण गंगा खड्ड में पूरी तरह सफाई करवाई जा रही है। पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस द्वारा कार सेवा किला आनंदगढ़ साहिब वाले संतों के सहयोग से करवाई जा रही इस व्यवस्था से पहले गुरु महाराज के चरणों में अरदास भी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस वर्ष होला मोहल्ला मेले में 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और श्रद्धालुओं को गुरु की नगरी में पहुंचकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने गुरु की नगरी में नतमस्तक होने आने वाले श्रद्धालुओं से पूरी श्रद्धा के साथ आने और किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी ना करने की अपील करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुने। सत श्री अकाल जी, मैं हरजोत सिंह बैंस, हलका विधायक श्री आनंदपुर साहिब, सिक्ख्या मंत्री पंजाब। साडा होले महल्ले का जिहड़ा त्यौहार है खालसाई शानो शौकत का, वह कल तो शुरू होने जा रहा है। तो प्रशासन वालों, वक् वक् समाज सेवी संस्थावां वालों, कार सेवा वाले बाबियां वालों, सारे मिल के असी साड़ी पूरी कोशिश है। तो असी पिछले कई दिनों तो एक महीने तो सारे यूथ क्लब भी लगे हुए से, असी अपन सड़कों नू साफ किया, पौद्या रंग रोगन, नवे पौधे, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइटा, सड़क जिन्नी भी अप्रोच मार्ग जो मेरी विधानसभा हल्के असी सब लगे हुए किया। तो काफ़ी हुण जिहड़ा देखण तुसीं भी देख सकते हो कि हर वेले जिहड़ा है काम चल रहा है। इस दे नाल ही नाल हुण जिहड़ी चरण गंगा खड्ड दी इक वारी पहली बारी असी नवीं जिहड़ी पार्किंग जिहड़ी है ये बना रहे हैं, तो इहदे विच संतां दा भी सहयोग है। तो इहदे नाल की है कि जिहड़ी संगत बाहरों आउंदी उह बिल्कुल कोल गुरु घर सामने है, तो उह ऐन इत्थे पार्किंग दा वध तों वध जिहड़ा लाहा लै सकते हैं, फिर वो अपने आराम नाल जाके जी नतमस्तक हो सकते हैं, तो होले महल्ले दे विच शरीक हो सकते हैं। तकरीबन 50 लाख के आस पास संगत का जिहड़ा है वो अनुमान है इस बारी साडी गुरु नगरी इत्थे शिरकत करन दा। तो साडे वल्लों हर संभव कोशिश है कि असी पूरी दुनिया तो जिहड़ी भी संगत आ रही है उसनों किसी तरह की कोई खज्जल खुआरी ना होवे। मैं एक ही बेनती अपने पंजाब के सारे नौजवानों नूं करना चाहूँगा कि तुसीं आंदे हो होले महल्ले का जिहड़ा मेले दे विच नतमस्तक होण दे लई, तुसीं जिहड़ा है इह सारे सब की धरती है, हर सिख की धरती है, पर एक बेनती है थानू, पिछले साल भी एक बड़ी जिहड़ी है दुर्भागी घटना हुई सी, ये असी जिहड़े ट्रैक्टर है उहनां दे उत्ते अपना जिहड़ा है गुरु घर की मर्यादा नूं ध्यान च रख के होए, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, जिहड़ा है वह थानू बेनती है कि साडा कोले इस वारी नैशनल जोग्राफिक भी कवर करन आ रहा, तो असी जो दुनिया नूं दिखावांगे, जो गुरु साहब ने साडी प्रतीक शुरू की सी पूरी दुनिया च एक मैसेज जाना है। इस करके साडे सारयां दे उत्ते ते आप सब दे उत्ते एक वड्डी जिम्मेदारी है। नैशनल जोग्राफिक दी स्पैशल टीम आस्ट्रेलिया तो आ रही है इस होले महल्ले नूं कवर करन लई, ते पूरी दुनिया दे विच साडा इतिहास, साडा विरसा, साडा कल्चर, असी किवें रहिंदे आ, किवें खांदे पींदे आ, साडे निहंग उह की उहनां दा जीवन शैली है, उह सारा मैसेज जाना। इस करके मेरी आप सब नूं बेनती है, तो मैं ये बेनती SGPC नूं भी करूँगा कि उन्हां वल्लों भी ये धार्मिक संदेश जावे कि असी जिहड़े अपने ट्रैक्टरां ते जो उच्ची उच्ची डैक ला के ते जिहड़े वो गीत जो आपां जो नहीं वजने चाहिए गुरु नगरी च वो वजांदे आ, उहदे उत्ते आपां गुरेज करिए। तो प्रशासन थोड़ी सेवा लई है, अगर जिथे जिथे पार्किंगां बणदियां उसनों फॉलो करिए कि आपां किसी भी ट्रैफिक की समस्या ना आवे, जाम ना लगन, साडी हर कोशिश है। असी सड़क नूं साफ किया, पिंडां नूं साफ किया, कल तो साडे लंगर लगने शुरू हो जाने, कई पिंडां तो अज तो लंगर लगने शुरू हो जाने हैं। साडे वल्लों हर संभव कोशिश है कि जिहड़े भी संगत इत्थे आउंदी है उहनूं किसी तरह की कोई तकलीफ ना होवे, ये मेरी निजी बेनती है। हजे भी कोई कमी होगी तो असी उसनों भी लगातार सुधारन के उत्ते लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतह। बता दें कि गुरु की नगरी श्री कीरतपुर साहिब में आज से होला मोहल्ला मेला शुरू हो चुका है और 22 तारीख को कीरतपुर साहिब से मेला समाप्त होने के उपरांत 23, 24, 25 मार्च को होला मोहल्ला मेला श्री अनंतपुर साहिब में
शुरू होगा। सिटी हलचल के लिए गुरु की नगरी श्री अनंतपुर साहिब से अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत और देखते रहिए श्री हलचल। धन्यवाद। सैनी इलेक्ट्रॉनिक नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग गांव ब्रह्मपुर, यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप बेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुँचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक गाँव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल, यहां आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़, मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहां आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190, तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर जन्नत रेस्टोरेंट नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, एक बार सेवा का मौका जरूर दें।